नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राधिका राज फन को और बोलो मालती। आज राधिका से मेरी लाइव में मुलाकात हुई है। मैं सोची कि उससे कुछ पूछूं, उससे पहले लाइव बंद हो गया, मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाई, इसलिए ये वीडियो में बना के डाल रही हूँ। और राधिका सबकी वीडियो देखती है, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद में अगर तुम सच हो तो तुम्हें अपने चैनल पे आके बोलना पड़ेगा कि तुम सही हो या गलत हो, तुम्हें बताना पड़ेगा सच्चाई, ठीक है? और नहीं बताना है तुमको, छिपना है तो छिपो, देखते हैं कब तक ले तुम छिपती हो, ठीक है? ऐसे छिप छिप के तुम वीडियो बनाओ, कब तक ले बनाओगी? रहोगी सोशल मीडिया पे ही ना कभी कोई तुम्हें पकड़ ही लेगा, ठीक है? छिपती रहो तुम, देखते हैं कब तक ले छिपती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राधिका राज फन को और बोलो मालती। है दोस्तों, आप लोग इनका सपोर्ट करिए, इनके चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। राधिका राज यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों। आज वीडियो भी नहीं बना, हमने दीदी बनाई है, दिन भर सोई थी दोस्तों। आज तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा बहुत। और एक चीज बताना चाहते हैं दोस्तों, अभी इस लड़की का नया चैनल है और थोड़ा बताना चाहते हैं, लगभग हमारे यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे, तो मालती बोलो थोड़ा। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम गोरखपुरिया में। तो फ्रेंड, जिस शख्स की तलाश पूरी सोशल मीडिया सभी लोग कर रहे हैं, उस शख्स से आज मेरी मुलाकात हुई है लाइव में। फ्रेंड मेरे एक दोस्त हैं, उन्हीं के लाइव में वो आई थी बात करने के लिए, और बात भी कर रही थी। फ्रेंड जैसे ही मैंने सोचा लाओ कमेंट करके इससे पूछे कि तुम मालती चौहान को ले करके जो मैटर में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है राधिका, तुम क्यों कुछ बोल नहीं रही? इससे पहले कि मैं उसके पास कमेंट करती, उसने अपना लाइव भी बंद कर दिया। फ्रेंड और बताएं आप सबको कि वो लाइव जो आता है, मतलब वो वीडियो शेयर नहीं करता है, उस वीडियो को डिलीट कर देता है। और उसने उस लाइव में राधिका से बात भी की अच्छे से, और राधिका भी बात कर रही थी, मैं भी कमेंट कर रही थी, सोची कि इससे पूछूं कुछ, कि उससे पहले लाइव उसने बंद कर दिया और वीडियो भी डिलीट कर दिया, उसको शेयर नहीं करता है यूट्यूब पर। लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप सबको दिखाएंगे इस वीडियो में, और देखना और कमेंट करके बताना कि ये वही राधिका है जिसने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। फ्रेंड जिसकी वजह से इतना सारा बवाल हो गया, मालती चौहान की ज़िंदगी चली गई, लेकिन ये लड़की आज तक अपने चैनल पे एक लफ्ज भी नहीं बोली है कि हाँ मेरा इसमें कुछ मैटर था या नहीं था, सच या झूठ कुछ भी नहीं बोली है। इसको भी अपनी बात रखनी चाहिए ना सोशल मीडिया पर, हर जगह इसका नाम उछाला जा रहा है, तो इसको अपने सफाई में कुछ तो बोलना चाहिए। आखिर क्यों नहीं बोल रही है? इससे यही पता चलता है कि हाँ इसका भी इस मैटर में बराबर का हाथ है। जैसा कि मालती चौहान कह रही थी, वो सारी बातें सही है। अगर ये वो सारी बातें गलत रहती तो ये अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर बोलती कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, हम दोनों का ऐसा कुछ भी नहीं है, विष्णु राज और मेरा, कुछ ना कुछ तो बोलती ना। लेकिन यहाँ इसकी गलती है, तभी तो ये आज तक चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। हो सकता है विष्णु राज ने इसको मना किया हो कि तुम कुछ बोलना मत, इसलिए नहीं बोल रही थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि तुम वो राधिका से बात भी करता है, नंबर पे भी बात करता है, वैसे लाइव में बात तो करता ही है। मैंने वो बोल रहा था मुझसे कि राधिका मेरे पास फ़ोन की थी और बात कर रही थी, तो मैंने कहा उससे कि तुमने पूछा क्यों नहीं कि मालती चौहान को लेकर के जो मैटर में तुम्हारा नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, तुम क्यों कुछ बोल नहीं रही? तो वो कह रही थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, ये सब ऐसा वो उससे बोली थी, कुछ भी नहीं बताई। मतलब वो कह रही थी नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस इतना ही बोली थी उसको। लेकिन यही बात मान लेते हैं कि अगर ऐसा कोई बात नहीं है तुम्हारा और विष्णु राज का, तो तुम्हें अपने चैनल पे बोलना चाहिए ना, सोशल मीडिया के सामने आना चाहिए ना। तुम्हें सभी लोग ढूंढ रहे हैं, आखिर क्यों छिप रही हो तुम?
क्यों नहीं आ रही हो सामने? अगर तुम सही हो तो राधिका बताओ। मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछूं, सवाल करूं लाइव में, लेकिन तुम भाग गई, वीडियो ही बंद कर दिया, लाइव ही बंद कर दिया उसने, तो कैसे मैं पूछती तुमसे बताओ। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ और तुमसे कह रही हूँ राधिका, अगर तुम सच में सही हो, तुम्हारा कोई मैटर नहीं था विष्णुराज से, तुम सही हो अपनी जगह, जैसा कि मालती चौहान तुम्हें कह रही थी कि विष्णुराज के साथ तुम्हारा चक्कर है ऐसा वैसा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल पर आके बोलना पड़ेगा कि क्या है सच्चाई, सच में था कुछ या नहीं था। तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, तुम आखिर चुप कैसे बैठ सकती हो, तुम ये बताओ। अगर तुम सही हो तो तुम्हें अपने चैनल पे बोलना पड़ेगा आकर कि हाँ मैं सही हूँ, ठीक है। यही पूछने के लिए, यही कहने के लिए मैं तुमसे ये वीडियो बना रही हूँ कि तुम्हें अपने चैनल पे बोलना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है, तुम्हारा इसमें हाथ है या नहीं है। जैसा कि मालती चौहान कह रही थी कि जब से तुम उसके घर पे आई हो तभी से उन लोगों का झगड़ा चल रहा है, तुमने ही उसकी ज़िंदगी में आग लगाई। अगर ये सब बातें गलत है, झूठ है, तो तुम्हें आके अपने चैनल पे बोलना पड़ेगा। अगर तुम सच हो तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे छुपने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम सही रहती तो तुमने जो मालती चौहान के साथ वीडियो बनाया था, व्लॉग बनाया था, सारी वीडियो तुमने क्यों डिलीट कर दी, पहले ये बताओ। तुम बताओ, आखिर बचने के लिए ही ना, अपने बचाव के लिए ही ना तुम मालती चौहान के साथ दो तीन वीडियो बनाई थी व्लॉग वाला, सब वीडियो क्यों डिलीट कर दी तुम, सिर्फ शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हो, आखिर क्यों बताओ। तुमसे यही कह रहे हम कि जो भी है सच्चाई तुम्हें मीडिया के सामने आना होगा और बोलना होगा। कब तक ले तुम भागोगी ऐसे बताओ, कभी ना कभी तो पकड़ा जाओगी। यूट्यूब पर काम कर रही हो, वीडियो बना रही हो, तो अपनी बात तुम्हें रखनी चाहिए। क्यों तुम छिप रही हो, क्यों भाग रही हो, कब तक भागोगी आखिर? कोई ना कोई तुम्हें पकड़ लेगा ज़रूर, ठीक है। तुम भागो, देखते हैं कहाँ तक भागती हो, कभी ना कभी सामने तो आओगी ज़रूर ही ना। ठीक है, छिप लो तुम अभी, अभी बना लो तुम वीडियो, नाम कमा लो अपना, फेमस हो जाओ तुम छिप छिप कर, ठीक है। लेकिन तुम्हें दुनिया इसी नाम से जानेगी कि तुम मालती चौहान की ज़िंदगी उजाड़ने वाली राधिका यही है, देखो, ठीक है। तुम्हें इसी नाम से, इसी फेम से सब लोग जानेंगे कि ये देखो, ये वही राधिका है जिसकी वजह से मालती चौहान ने अपनी ज़िंदगी खो दी, सुसाइड कर ली, इसी राधिका के चलते। तुम्हें लोग इसी नाम से जानेंगे। जब तक ले तुम अपनी सफाई आकर सोशल मीडिया पे नहीं दोगी, सब लोग तुमको यही समझेंगे, ठीक है, कि ये वही राधिका है जिसकी वजह से मालती चौहान हम लोगों के बीच नहीं रही। अगर तुम सच हो तो तुम्हें बोलना पड़ेगा आकर के, देखते हैं छिपो तुम कब तक ले छिपती हो, ठीक है। तो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक। मैंने सोचा आज उससे, आज राधिका से मेरी लाइव में मुलाकात हुई है, मैं सोची कि उससे कुछ पूछूं, उससे पहले लाइव बंद हो गया, मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाई, इसलिए ये वीडियो मैं बना के डाल रही हूँ। और राधिका सबकी वीडियो देखती है, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद में अगर तुम सच हो तो तुम्हें अपने चैनल पर आके बोलना पड़ेगा कि तुम सही हो या गलत हो, तुम्हें बताना पड़ेगा सच्चाई, ठीक है। और नहीं बताना है तुमको, छिपना है तो छिपो, देखते हैं कब तक ले तुम छिपती हो, ठीक है। ऐसे छिप छिप के तुम वीडियो बनाओ, कब तक ले बनाओगी, रहोगी सोशल मीडिया पे ही ना, कभी ना कभी कोई तुम्हें पकड़ ही लेगा, ठीक है। छिपती रहो तुम, देखते हैं कब तक ले छिपती हो। तो फ्रेंड, ये व्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और राधिका ने जो अपने चैनल पे वीडियो डिलीट कर दी है मालती चौहान के साथ में, उस वीडियो को मैंने अपने चैनल पे डाला है, तो आप सब उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। विष्णुराज राधिका सर्च करेंगे तो उसका
वीडियो सबसे पहले या दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो आप सब लोग देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।